सिटी में थोड़े लोग बचकर जी रहे होते हैं, पर वहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं होती। वहाँ से वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के मास्क पहनकर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को क्रोनिक्रॉप करके एक कंपनी बना रही है। उसी कंपनी की सुरंग में सिटी की सारी पावर सप्लाई प्रोड्यूस होती है। कंपनी में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने के लैब में इथन के पापा रिचार्ड साइंटिस्ट का काम कर रहे होते हैं। इथन का 8वां जन्मदिन आता है, तो उस दिन इथन के पापा उसको एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इस बॉक्स को खोलो। इथन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक घड़ी जैसा गैजेट आ जाता है और उससे खून आने लगता है। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लगता है। इथन की माँ भाग कर आती है और कहती है कि ये आपने क्या कर दिया, लेकिन रिचर्ड कहता है कि बेटा ये अब से तुम्हारे हाथ में ही रहेगा और मरते दम तक तुम इसको निकालना मत, ये तुम्हें इस दुनिया में पहचान दिलाएगा। अब ये कहकर इथन के पापा रिचर्ड वहाँ से निकल जाते हैं। लैब में जाने की थोड़ी देर बाद रिचर्ड के पापा से इथन को फोन आता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ थोड़ा चलकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इथन और उसकी माँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क पहनकर रोड पर चल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग इथन की माँ को शूट कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। उसका मास्क और इथन का मास्क निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इथन पापा पापा करके पुकार रहा होता है कि पापा बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो आता ही नहीं। तभी जूडो करके एक आदमी आता है जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क देकर उसको वहाँ से बचाकर ले जाता है और उसको अपने साथ पालने लगता है। इथन के पापा रिचर्ड के काम करने वाली क्रोनिकॉप कंपनी में वो एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। अचानक एक दिन वहाँ पर पावर प्रॉब्लम आती है और उसको रिलोड करने के लिए इथन बहुत ट्राई करता है। तभी अलर्ट आता है कि अगर 30 सेकंड में उसको ठीक नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा। इथन कैसे भी करके उसको ठीक कर देता है। ऐसी पावर प्रॉब्लम ठीक करने में इथन बहुत ही माहिर हो जाता है। उसके बाद ड्यूटी खत्म करके सारे वर्कर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी आंखों को स्कैन कर रहे होते हैं। उसके लिए वो मास्क निकालते हैं और मास्क निकालते वक्त उस वर्कर्स में से एक खून की उल्टी कर रहा होता है। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सबको सूट नहीं करता और इसी की वजह से बहुत लोगों को ऑक्सीजन सिकनेस हो जाता है, जिसके शिकार होकर वो थोड़े दिनों में ही मर जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि एक सिख आदमी अपने आप को आग लगाकर जला रहा होता है और ये सब इथन की आंखों के सामने हो रहा होता है। वहाँ से कट करके मूवी का टाइटल 2067 डाल के मूवी शुरू होती है। हमारा हीरो इथन शिफ्ट खत्म करके अपने घर जाता है। टीवी में उसके सामने न्यूज चल रही होती है, उसमें ऑक्सीजन सिकनेस की वजह से सिटी में बहुत से लोग थोड़े थोड़े करके मर रहे होते हैं। यहाँ कॉर्निकॉर्प कंपनी ऑक्सीजन सिकनेस के लिए सोल्यूशन की खोज करने की ट्राई कर रही होती है और जैसे इथन के पापा का नाम टीवी पर आता है वो गुस्सा होकर टीवी बंद कर देता है। तभी उसकी वाइफ वर्क खत्म करके घर आ जाती है और दोनों जॉली से बात कर रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि अचानक उसकी वाइफ भी खून की उल्टी करती है, उसको भी वही ऑक्सीजन वाली बीमारी हो जाती है। काम करते करते वो भी टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ भी कुछ दिनों में मर जाएगी। उसी वक्त थोड़े ऑफिसर इथन को ग्राउंड फ्लोर पे बुलाने के लिए आते हैं और उसको जबरदस्ती बुलाते हैं। ये देखकर इथन डर जाता है। तभी वहाँ पर जूड आता है। जूड कहता है कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। वहाँ कॉर्निक्रॉप कंपनी के सीईओ रिजीना को मीट करते हैं। रिजीना कहती है कि हमारी सिटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लोग धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। वो कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब रेजिना कहती है कि तुम ही हम सबको बचा सकते हो। इथन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। रेजिना इथन को और उसके दोस्त जूड को लैब में लेके जाती है। वहाँ पर साइंटिस्ट बिली इथन को वेलकम करता है। उस लैब में एक टाइम मशीन होती है, वो इथन को दिखाकर कहता है कि इसको तुम्हारे पापा रिचर्ड ने खोज निकाला था। इसमें से एक मैसेज हमने फ्यूचर को यानी कि 2467 में भेजकर चेक करके देखा और वहाँ से भी एक मैसेज वापस आया, और वो क्या मैसेज है तुम खुद ही देख लो। रेजिना इथन को वो मैसेज दिखाती है। इथन वो देखकर बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसमें कहा होता है कि इथन को भेजो, वो भी वो मैसेज इस प्रेजेंट टाइम से 400 साल बाद से आया था और उसमें 400 साल आगे भेजने की यानी कि फ्यूचर में भेजने की बात कही गई होती है। वो देखता है कि फ्यूचर में 400 साल बाद लोग जिंदा हैं। उसे बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो थोड़े दिन में सब मर जाएंगे, फिर कैसे 400 साल बाद भी ये मशीन और लोग जिंदा हो सकते हैं और उनको हमारा नाम कैसे पता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो लोग हमको क्यों बुला रहे हैं उसको कुछ भी समझ नहीं आता। रेजिना कहती है तुम इस मशीन के जरिए 400 साल के एक दिन पहले फ्यूचर में जाओगे और इस मैसेज को किसने टाइप करके भेजा है उनसे मिलना होगा और उनके पास बात करके इस डिजीज की दवाई पूछकर मांग कर लानी होगी और उन लोगों ने तुम्हें ही बुलाया है इसलिए तुम्हें ही जाना होगा।
तुम्हें ही दवाई को ढूंढ कर लाना ही है। यहाँ पर मौजूद हजारों लोग अपनी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे हैं। फिर बिली बोलता है कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम सिर्फ तुमको यहाँ से भेज सकते हैं, पर वापस आने का रास्ता तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। रेजिना कहती है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही कुछ जरूर होगा जिससे तुम वापस आ सकोगे। और ये सुनकर एथन कहता है कि ये सब मुझे नहीं करना, मेरी वाइफ को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि उसके आखिरी के दिन बचे हैं, उसको छोड़कर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और ये बोलकर एथन वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एथन और उसका दोस्त एक जगह बैठकर बात करते हैं। तब एथन अपने दोस्त के पास कहता है कि मेरे पापा रिचर्ड की तरह मैं अपनी वाइफ को कभी भी अकेले नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस वक्त मैं उसको अकेला छोड़कर तो कतई नहीं जाऊँगा। तभी जूड कहता है तुम दूसरों के लिए दवाई लेने नहीं जा रहे हो, तुम अपनी वाइफ के लिए भी दवाई लेने जाओगे वहाँ। और फिर उसका मन बदल जाता है। एथन घर जाकर जो कुछ हुआ वो सब बातें अपनी वाइफ को बता रहा होता है। वो सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि तुम कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो, तुमने देखा था पिछले साल मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे थे पर अब सिर्फ क्लास में 12 ही बचे हैं, ऐसे ऑक्सीजन की कमी से मरने से बेहतर है तुम वहाँ जाकर दवाई लेकर आ जाओ, तभी सब खुश रह पाएंगे। ये सब तुम करोगे तो मुझे बहुत गर्व होगा, तुम जरूर मेरे लिए दवाई लेकर वापस आओगे, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है और तुमको जाना ही होगा। उसके बाद इथन रात को जब उसकी वाइफ सो रही होती है तो वहाँ पर एक फूल रख देता है, पर वो फूल असली का नहीं होता, वो कुछ लोहे की पंखुड़ियों से बना हुआ होता है। उसमें उसने लिखा हुआ होता है आई विल बी बैक, और ये लिखकर वहाँ से निकल जाता है। अब आपको तो पता ही होगा कि ये लोहे का फूल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे तो है नहीं, तो असली का फूल कहाँ से आएगा। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसकी वाइफ सोई नहीं होती, वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही होती है, और वो इथन को पता नहीं चलने देती कि वो उसको देख रही है। अब इथन कॉर्निग्रोव कंपनी के लैब में पहुंच जाता है, वहाँ रेजिना उसका वेट कर रही होती है। इथन उसके पास कहता है कि उस दवाई का एक ड्रॉप भी मिलेगा तो मैं उसको पहले अपनी वाइफ को ही दूंगा, अगर तुम ये बात मानती हो मैं तभी वहाँ जाऊँगा। ठीक है करके रेजिना भी एक्सेप्ट कर देती है। अब वो टाइम ट्रेवल का सूट पहनकर उस मशीन में रेडियो कर बैठता है। तभी साइंटिस्ट बिली इथन को एक छोटा सा गैजेट देता है और कहता है कि ये आयरन मैन पिक्चर में आने वाला जार्विस की तरह एडवांस रोबोट है, ये तुम्हारी एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा और तुम्हें सारी चीजें बताएगा। जूड भी उसको बाय करके भेज देता है। अब मशीन ऑन हो जाती है, उसमें काउंटडाउन शुरू होता है और जीरो के आते ही इथन के बदन पर बहुत सारे रेडियंस पास होते हैं और बहुत ही स्पीड से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाकर वहाँ एक जंगल में लैंड होता है। लैंड होते वक्त बेहोश होकर गिर जाता है, आंखें खोलकर देखता है तो उसका सूट जल रहा होता है। वो उसको गौर करता है, वो उठकर उसको बुझाने की कोशिश करता है पर वो आग और जल रही होती है, तो वो उस सूट को निकाल कर फेंक देता है। अब वो सूट उसकी आंखों के सामने जलकर विस्फोट हो जाता है। तभी वो एक चीज पर गौर करता है, उसके चारों तरफ सारे हरे भरे पेड़ हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और ताज्जुब भी होता है क्योंकि पहली बार उसने इतने सारे पेड़ पौधे इतनी नेचुरल ऑक्सीजन देखी होती है और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो हर चीज को छूकर मजे ले रहा होता है। दोस्तों ऐसा सब हमारे साथ तो नहीं हो सकता, पर एक गेम के लिए पूछता हूँ, पेड़ पौधों के बिना आप इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे, और क्या आपने कभी कोई पौधा लगाया है? अगर लगाया है तो कमेंट में जरूर बताना, और नहीं लगाया है तो प्लीज अब से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ना पेड़ है तो हम हैं। खैर चलिए वापस मूवी में आते हैं। अब वो उस गैजेट की मदद से रूट को फॉलो कर रहा होता है, वो जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी का कंकाल पड़ा हुआ है और उसको देखकर वो डर जाता है। उसके कॉलर पर देखता है तो इथन वाइट करके लिखा हुआ है, ये देखकर तो वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसी का कंकाल होता है। अब वो उसकी खोपड़ी पर देखता है तो ये गोली का निशान होता है। तभी उस कंकाल के पास में देखता है तो वहाँ पर वैसा ही गैजेट होता है जैसा उसको बिली ने दिया होता है। वो उस पुराने गैजेट से अपने नए गैजेट के बारे में पूछता है पर वो बोलता है कि मुझे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो कंकाल के हाथ में देखता है तो वैसे ही घड़ी होती है जैसे उसके पापा ने उसको दी थी। अब उसको अपनी प्रेजेंट घड़ी के बाजू में रखकर देखता है, देखने में दोनों एक ही तरह दिखती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो उसकी प्रेजेंट घड़ी है उसमें रेड लाइट होती है और उस कंकाल की घड़ी में ग्रीन लाइट जल रही होती है। अब वो उस पुराने गैजेट को ऑन करके चेक करता है और उसमें बात करने की कोशिश करता है और उसमें तो 2% ही चार्ज बचा होता है और वीडियो डिस्प्ले नहीं हो पाती, इसलिए सिर्फ ऑडियो चलती है। फिर वो ये कहता है कि आखिरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में ऑडियो प्ले करो। उस ऑडियो में थोड़े डायलॉग्स के बाद कोई इसको गन से शूट करने की आवाज़ सुनकर बहुत डर जाता है। ऑडियो के प्ले होने के दूसरे सेकंड में उस गैजेट में चार्ज खत्म हो जाता है। फिर वो सोचता है कि जैसी आवाज़ इसमें सुनाई दे रही है वैसी मैंने कहीं तो सुनी है, कहीं तो जरूर सुनी है। अब उसे ऐसा एहसास होता है जैसे इस दुनिया में अभी कोई जिंदा ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने के बाद वो प्रेजेंट वाले गैजेट की मदद के साथ आग जलाकर उसके बाजू में बैठ जाता है। फिर वो कुछ फल वगैरह ढूंढकर खाता है। उसके खाने के थोड़ी देर बाद जोर से बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी देखते हैं कि दूर से कुछ रोशनी नजदीक आ रही है। उसके बाद एक आदमी उसके नजदीक आ रहा होता है। उसको देखकर ये सोचता है कि कहीं ये वही आदमी तो
गुनी जिसने मुझे मारा था और वो डर कर भागने की कोशिश करता है पर वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उस फल में जहर होता है। आया वो आदमी उसके हार्ट पे एक इंजेक्शन लगाता है। थोड़ी देर बाद आँख खुलने पर उस आदमी के नजदीक आने पर ही पता चलता है कि वो उसका दोस्त जूड है। तब जूड कहता है कि तुमने वो जहरीला फल खाया इसलिए मैं तुमको बचाने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तुम अपनी जान के लिए लड़ रहे थे जिसको हमने गैजेट के जरिए देख लिया था। तुम्हें बचाने और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं भी आ गया हूँ। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। फिर इथन जूड को भी वही कंकाल दिखाता है जो उसने देखा था और ये देखकर जूड भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद दोनों जल्दी जल्दी दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी वापस भी जाना है। फिर वो अपने गैजेट से हेल्प मांगते हैं। वो उसको नया रूट दिखाता है। उसको फॉलो करते जाते वक्त वहाँ पर एक दरवाजा दिखता है। फिर इथन उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जूड एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता है। तभी उस डोर से एक इंस्ट्रूमेंट निकल कर बाहर आता है और इथन की आंखों को स्कैन कर रहा होता है और दूसरे ही सेकंड वो डोर खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा है और थोड़ी दूर चलने के बाद एक सिस्टम को देखते हैं। उसमें वेलकम इथन करके एक मैसेज डिस्प्ले होता है। तभी मशीन में आता है कि डीएनए को एनालाइज करना होगा। वो जैसे ही सिस्टम के आगे हाथ दिखाता है उसके हाथ में जो घड़ी होती है वो अपने आप उसका खून निकालती है। वो दर्द के कारण तड़प रहा होता है। कुछ ही सेकंड में इसकी घड़ी की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि हम कॉर्निक्रॉप कंपनी में ही है। उस सिस्टम में इथन आखिरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसको डिस्प्ले करने के लिए कहता है। उस डिस्प्ले में इथन के 8वें जन्मदिन के समय रिचर्ड उसको वो घड़ी जब पहनाता है उससे पहले के लैब में होने वाले इंसिडेंट को वो दिखा रहा होता है। रिचर्ड टाइम मशीन के जरिए एक मैसेज फ्यूचर को सेंड करता है। तभी रिप्लाई आता है कि सेंड इथन व्हाइट। ये देखकर रिचर्ड बहुत ही शॉक हो जाता है। सिर्फ वो ही नहीं रेजिना और बिली दोनों भी शॉक हो जाते हैं। रेजिना पूछती है कि उन लोगों को तुम्हारे बेटे का नाम कैसे पता। रिचर्ड कहता है कि वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रेजिना पूछती है कि वो लोग हमें सिर्फ मैसेज क्यों भेज रहे हैं, वो लोग यहाँ आकर हमसे बात भी तो कर सकते हैं। तभी उसके जवाब में बिली कहता है कि पावर फेलियर हो रहा है और अगर पावर प्रॉब्लम ना हो तो उस तरफ से इस तरफ कोई भी आ सकता है। वीडियो प्ले होने के बाद ही वहाँ पर भी पावर प्रॉब्लम आ जाती है। तभी इथन को जूड पर कुछ शक हो रहा होता है और पूछता है कि जहरीला फल खाते ही एक डॉक्टर या साइंटिस्ट आ सकता था पर तुम ही क्यों आए। उसके लिए जूड कहता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, आओ हम यहाँ से निकलकर पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अभी हम तुम्हारी वाइफ को बचा सकते हैं। इसको सुनते ही इथन कहता है कि जब देखो तुम मेरी वाइफ के बारे में बोलकर मुझे यूज कर रहे हो और जूड से लड़ता है। टाइम मशीन लॉन्च होने के लिए अब सिर्फ 3 घंटे और 30 मिनट है और उसमें वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब इन 3 घंटों के अंदर इनको 3 काम करने हैं। पहला कि इस तरफ से उस तरफ मैसेज किसने भेजा था, दूसरा ऑक्सीजन सिकनेस के लिए दवाई और तीसरा है कि वहाँ की पावर सप्लाई को ठीक करना है वरना वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। अब वो सिटी के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सिटी सारी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर सारे लोग ऑक्सीजन न होने की वजह से मास्क के साथ ही वहाँ कंकाल में बने हुए हैं और वहाँ पर लाइन से बहुत सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं, कोई जिंदा नहीं होता। इथन अपनी वाइफ की क्लासरूम की जगह पर जाकर देखता है, वहाँ पर उसकी वाइफ और दूसरे स्टूडेंट सारे मरकर कंकाल में बने हुए होते हैं। अपनी वाइफ के कंकाल के हाथ में उसी फूल को देखता है जो उसने जाने से पहले उसको दिया था। उसमें उसकी वाइफ ने लिखा हुआ होता है कि तुम फिर वापस जरूर आओगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। ये देखकर वो बहुत अपसेट होकर रोने लगता है। वो झूठ को देखकर कहता है कि हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे, सब लोग मर चुके हैं और फिर दीवार पर लगकर बैठ जाता है। रोते हुए वो झूठ से कहता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं आता तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब लोग मरकर ऐसे कंकाल बनकर पड़े हैं, इसका मतलब तो यही है कि मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका है। लेकिन जूड कहता है कि चिंता मत करो। ये सुनते ही इथन उस पुराने गैजेट की आखिरी ऑडियो को फिर से प्ले करता है और उसको सुनता है। उसमें वो वैसी आवाज को सुनता है जैसे जूड निकाल रहा होता है और वो सोचता है कि कहीं वो जूड़ी तो नहीं जो मुझे मारने के लिए आया है। उस ऑडियो को सुनकर जूड भी बहुत डर जाता है। फौरन जूड अपने आसपास रखी हुई पिस्टल को निकाल कर ऑडियो में आई हुई आवाज जैसे हीरो को धमकाता है। आखिरी में जूड कहता है मैंने तुमको शूट नहीं किया और तुम भी मरे नहीं हो, इस इंसिडेंट को बदल दिया गया है। तभी उनको एक वार्निंग मैसेज सुनाई देता है कि 2 घंटों में पावर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा। उसको सुनते ही वो सोचते हैं कि पहली 2 प्रॉब्लम तो हम सॉल्व नहीं कर पाए पर एटलीस्ट इसको तो सॉल्व करना ही होगा। फिर वो दोनों उठकर सुरंग के अंदर जाते हैं। स्टार्टिंग में वो जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं वो वही जगह होती है। इथन उस जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखता है पर वो सॉल्व नहीं होती। उसी वक्त उस रूम का दरवाजा बंद होने लगता है। रूम के बाहर खड़ा हुआ जूड भाग कर उसको रोकते हुए इथन को बाहर आने के लिए कहता है। इसके लिए इथन कहता है कि अगर मैं भी बाहर आ गया तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा और मैं बाहर आ गया तो धमाका होकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब जूड के हाथ को धक्का देकर वो उस दरवाजे के अंदर ही बंद हो जाता है। जूड बाहर से बहुत चिल्ला रहा होता है।
उस रूम में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तभी जून उस डोर को तोड़कर अंदर आकर बेहोश हुए इथन को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है और पावर सप्लाई फिर से एक्टिवेट हो जाती है। अब उन्होंने तीसरा काम तो यहाँ पर पूरा कर लिया जो था पावर सप्लाई ठीक करने का। अब इथन यहाँ की सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है, पर जूड उसको कुछ भी जानने नहीं देता, इसलिए जूड और उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी इथन को एक आइडिया आता है, अपने नए गैजेट की बैटरी को निकाल कर वो पुराने गैजेट में डाल देता है और उसमें वीडियो प्ले करता है। इसी बीच इथन जूड को एक रूम में धकेल कर उसको बंद कर देता है। आखिर में उसके पापा रिचर्ड के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वो वीडियो प्ले करता है। उसमें दिखाते हैं कि रिचर्ड इथन के पास बात करता है। इथन तुम्हारा डीएनए होगा तो ये मशीन एक्टिवेट होगी, ये मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए, ये मशीन अगर बुरे लोगों के हाथ में आ गई तो लोग इसका गलत उपयोग करेंगे, तुम्हें ही सबको बचाना पड़ेगा। तभी वही वाला सीन आता है जब वो कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारी मम्मी चलकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और फोन कट कर देता है। तभी रेजिना और जूड को दिखाते हैं। रेजिना कहती है कि इन सारे लोगों को बर्बाद होने दो, अगर मर गए तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी और फिर से पेड़ पौधे उग जाएंगे और ऑक्सीजन बनने लगेगी। अब क्योंकि रेजिना चाहती है कि वही फ्यूचर में जाए और सिर्फ वही बच पाए, रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे का डीएनए रहेगा तो ये मशीन एक्टिवेट हो पाएगी। रेजिना बिली के पास कहती है तुमको ये मशीन ऑपरेट करने आती है, वो कहता है कि हाँ पता है, और जैसे ही वो कहता है उसके अगले सेकंड वो बिना कुछ सोचे समझे झट से रिचार्ड को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। रिचार्ड के मरने की वजह से ही वो उस दिन अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए नहीं जा पाता, और अब इथन को समझ में आ जाता है कि उस दिन पापा बचाने क्यों नहीं आए, और अब उसके दिल से अपने पापा के लिए नफरत चली जाती है। ये सब देखकर वो रो रहा होता है। तभी जूड उस रूम के अंदर का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है, वो वीडियो कंटिन्यूसली चलाता रहता है। उसमें रेजिना रिचार्ड को शूट करने के बाद जूड से कहती है कि इथन की माँ को मार कर लाओ और इथन को हमारे पास लेकर आओ, वो इस मिशन का की है और उसी के जरिए हम फ्यूचर तक पहुंच सकते हैं। ये सब देखने के बाद इथन गुस्सा होकर कहता है कि तुमने भी मुझे यूज किया है, और जूड को देखकर चिल्लाता है, पर वो जूड कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हारे जैसे यूज किया गया है। अब वो जूड अपने आप को सच साबित करने के लिए खुद पर गोली चला देता है और वहीं पर इथन के सामने मर जाता है। अब रेजिना ने इथन को फ्यूचर में इसलिए भेजा ताकि उसके डीएनए से वो मशीन एक्टिवेट हो पाए, और वही उसका मेन मोटिव था उसको वहां भेजने का। अब इथन ये सोच रहा होता है कि उन्हें यहाँ आने से कैसा रोका जाए, तभी अचानक उसके पापा रिचर्ड का भेजा हुआ फर्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। कट करके फास्ट में रेजिना उसके जाने वाले थोड़े लोगों के साथ टाइम ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि थोड़े ही सेकंड में इथन को मारकर जूड यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ही वो आएगा हम उसको भी मार देंगे और यहाँ से फिर हम फ्यूचर में चले जाएंगे। थोड़ी देर में मशीन में काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे ही जीरो आता है वो सब खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही वो आएगा खट से शूट कर देंगे, लेकिन वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस मशीन में बहुत सारे पेड़ पौधे आ रहे होते हैं और उसी के साथ वो मशीन शटडाउन हो जाती है। कट करके दिखाते हैं कि इथन ने मशीन को बंद कर दिया है और उसको देखकर रेजिना चीखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उन पेड़ पौधों के साथ रेजिना के रिचार्ड को भी शूट करने वाली वीडियो भी है और उसी के साथ उसने अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट भी भेजा है। तभी एक एनोनिमस रेडिएशन के जरिए इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से पुलिस कॉर्निक्रॉप में छाप मारती है। सारे पेड़ पौधों को लेकर रेजिना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पेड़ पौधों के साथ वो लोग नए पेड़ पौधे उगा रहे होते हैं और यहाँ पर दूसरा काम खत्म होता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि भगवान ने उनके लिए पेड़ पौधे भेज दिए हैं। ये सब कुछ न्यूज में चल रहा होता है। उसकी वाइफ ये देखकर बहुत खुश जाती है और सोचती है कि ये इथन का काम ही है और वो समझ जाती है कि ये मेरे पति इथन ने किया है। तभी इथन का भेजा हुआ गिफ्ट एक लड़की आकर उसको देती है, उसको ओपन करके देखती है तो उसके अंदर असली का फूल होता है। उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब फ्यूचर में रह रहे इथन को दिखाते हैं। अब वो भागकर जाके सिटी को देखता है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और सारी सिटी में हरे भरे पेड़ पौधे हैं और वहाँ पर बहुत खुश रहता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। इस फिल्म को समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी मैं समझता हूँ, पर इस वीडियो को आप फिर एक बार जरूर देखिए ताकि इसके अंदर की सारी हिडन डिटेल्स आपको समझ में आ जाए।